खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुड़ावल पर दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के सचिव एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक पूरन सिंह के द्वारा दिव्यांग जनों को उपकरण वितरित किए गए। साथ ही दिव्यांग जनों के नए प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसमें ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, सुनने की मशीन, अंधों के लिए ब्लाइंड स्टिक, जयपुर फुट आदि उपकरण वितरित किए जाएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के इस कैंप में लगभग 50 दिव्यांग लाभान्वित हुए। दिव्यांग जनों को उनके अधिकार व पेंशन आदि योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर रुदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, पैरा लीगल वॉलेंटियर राहुल बंसल एवं लोकेंद्र सिंह गुर्जर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ऑनलाइन नालसा के द्वारा रुदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधिक सेवा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को 100 से अधिक उपकरण वितरित किए जाएंगे। आज कुछ लोगों को वितरण कर दिया गया है, आगामी कुछ दिनों में और भी दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राई साइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर आदि का वितरण किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के पूरन सिंह जी का पूर्ण सहयोग है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के राजेंद्र चौधरी जी के द्वारा ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और आगामी दिनों में ऐसे ही कैंप आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।